फिक्शन। हेलो नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप? हमारे चैनल फैक्ट या फिक्शन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। ये आपको जीवन की कुछ कड़वी सच्चाइयों से रूबरू करवाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं उन लोगों को जो लोग कभी अरबपति करोड़पति हुआ करते थे, लेकिन वक्त की मार से कंगाल हो गए और ऐसे कंगाल हुए कि खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये बहुत ही खास वीडियो, जिससे न सिर्फ आप कुछ सीखेंगे बल्कि हम भी कुछ सीखेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अर्श से फर्श तक की ये कहानी। गुजरे जमाने के पॉपुलर एक्टर भारत भूषण ने अपने करियर में कालिदास, तानसेन, कबीर, बैजू बावरा और मिर्जा गालिब जैसे एक से बढ़कर एक लोगों की भूमिका निभाई। अपने जीवन काल में भारत भूषण ने 50 से अधिक फिल्मों में काम किया और आजकल के हिसाब से करोड़ों रुपए कमाए। ये वो दौर था जब किस्मत भारत भूषण पर मेहरबान थी। देखते ही देखते उन्होंने मुंबई में न सिर्फ कई बंगले खरीद लिए बल्कि महंगी महंगी कारें भी खरीद ली। इसी बीच भरत भूषण के भाई ने उन्हें प्रोड्यूसर बनने की सलाह दी। इस पर भारत ने अपने बड़े भाई का कहना मान लिया और कई फिल्में प्रोड्यूस की, लेकिन अफसोस, एक दो फिल्मों को छोड़कर उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई वो सब की सब फ्लॉप होती गई। ऐसे में भारत भूषण कर्ज में डूब गए और पाई पाई को मोहताज हो गए। भारत भूषण ने जितना कमाया था वो सब का सब गंवा दिया। उनके बंगले बिक गए, कारें बिक गईं, और फिर भी वो कहते रहे कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक दिन जब उन्हें अपनी लाइब्रेरी की किताबें रद्दी के भाव बेचनी पड़ी तो वो तड़प उठे। जिंदगी के आखिरी दिनों में भारत भूषण काफी परेशान हो गए थे। इज्जत, दौलत, शोहरत सब तबाह हो चुका था। महंगी गाड़ियों में घूमने वाला टॉप मोस्ट हीरो अब लोगों के साथ बस की लाइनों में खड़ा दिखता था। जिंदगी के आखिरी दिनों में वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, लेकिन अफसोस कि न तो कोई इलाज करवाने वाला था और न ही कोई उनकी अर्थी उठाने वाला। फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर से यह साबित हो गया कि यहां चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। भारत भूषण ने अपने आखिरी वक्त में कहा था, मौत तो सबको आती है लेकिन जीना सबको नहीं आता, और मुझे तो बिल्कुल नहीं आया। 10 अक्टूबर 1992 को 72 साल की उम्र में तंग हाली से जूझते जूझते भारत भूषण दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सरों में से एक माइक टाइसन की, जो अपनी खूंखार बॉक्सिंग के साथ साथ अपने विवादों के कारण भी मशहूर रहे। रिंग के अंदर की बात हो या फिर बाहर की, विवादों के साथ उनका चोली दामन का साथ रहा। माइक दुनिया के ऐसे सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज हैं जिन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में सबसे कम उम्र का हैवीवेट चैंपियन होने का खिताब अपने नाम दर्ज कराया। वो लड़ते लड़ते कब खूंखार हो जाते थे ये बात किसी को पता ही नहीं चलती थी। कई बार तो टाइसन सामने वाले के कान तक को काट लेते थे। साल 1990 में कमाई के मामले में उन्होंने बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन को भी पीछे छोड़ दिया था। उस साल उनकी कमाई 2,86,00,000 की रही। माइक टाइसन जितने श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, कहा जाता है कि उनका व्यक्तित्व उतना ही जटिल है, जिसमें विवादों, झगड़ों, आरोपों और मुकदमों के लिए हमेशा जगह बनी रहती है। माइकल ने जितना भी पैसा कमाया उतना किसी और मुक्केबाज ने नहीं कमाया, लेकिन फिर भी ये धनराशि तलाकों और मुकदमों के कारण अधिकतर खर्च होती गई। और अंत के सालों में फाइनेंशियल क्राइसिस से तंग आकर उन्होंने अगस्त 2003 में अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग केबीसी तो जरूर देखते होंगे। केबीसी के 5वें सीजन में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार साल 2011 में एक हीरो बनकर उभरे थे। सुशील उस वक्त के पहले ऐसे कंटेस्टेंट थे
जिन्होंने 5 करोड़ का इनाम जीता था। सुशील बिहार के गरीब फैमिली से थे। उन्होंने बेशक केबीसी में 5 करोड़ की प्राइज मनी जीती थी, लेकिन किस्मत बदलते देर नहीं लगती। हालांकि केबीसी जीतने के बाद उन्हें रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में ब्रांड एम्बेसडर के लिए इन्विटेशन भी मिला था। प्राइज मनी के रूप में टैक्स काटने के बाद उन्हें करीब 3,60,00,000 रुपए मिले थे। इनमें से कुछ पैसा उन्होंने अपना घर बनाने में लगा दिया और कुछ भाइयों के बिजनेस पर। इसके बाद उनके पास पैसे बहुत कम रह गए। इस समय सुशील के पास न तो कोई ढंग की जॉब है और न ही उतना पैसा। गीतांजलि नागपाल 1990 के शुरुआती दिनों में दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज की गीतांजलि नागपाल पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ रैंप पर कैटवॉक किया करती थी, लेकिन आज उनकी हालत खुद ब खुद ग्लैमर की दुनिया की स्याह कहानी बयान कर रही है। गीतांजलि एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हैं, जो पूरी दुनिया में छा जाना चाहती थी। कई नामी डिजाइनरों के लिए रैंप पर चल चुकी 32 साल की मॉडल गीतांजलि नागपाल साल 2007 में भीख मांगती हुई मिली थी। जी हाँ, उन्हें साउथ दिल्ली के एक पॉश बाजार में भीख मांगते हुए पाया गया था। मशहूर मॉडल से भिखारी बनने वाली गीतांजलि नागपाल को ड्रग्स की लत ने ऐसा जकड़ा कि वो अपनी जरूरत पूरे करने के लिए नौकरानी तक बन गई थी। दोस्तों, वैसे तो माइकल जैक्सन एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है। इनके बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। दुनिया में पॉप म्यूजिक को एक नए मकाम पर पहुंचाने वाले जैक्सन विश्व के एक प्रसिद्ध पॉप सिंगर और डांसर थे। छोटी सी उम्र में म्यूजिक की दुनिया में कदम रखने वाले जैक्सन का किंग ऑफ पॉप बनने का सफर जितना रोचक है, उतनी ही उनकी लाइफ की कॉन्ट्रोवर्सीज भी। फिर चाहे बात प्लास्टिक सर्जरी की हो, या फिर पेन किलर ड्रग्स की, या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, या फिर सेक्सुअल अब्यूज की हो, माइकल जैक्सन ने एक सिंगर और डांसर के रूप में जितना अधिक पैसा और प्रसिद्धि पूरी दुनिया में कमाई, शायद ही इतिहास में अब तक किसी गायक ने कमाई हो। माइकल जैक्सन को अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कुछ नशीली दवाओं की सेवन की लत लग गई थी, और बाद में ये भी सुना गया कि अपने महंगे लाइफस्टाइल और नशे की लत के चलते उन पर 30 करोड़ डॉलर का कर्ज हो गया था। माइकल ने दिवालिया होने की स्थिति में अपने 3 बच्चों का भविष्य सवारने के लिए वसीयत में उनके नाम लगभग 200 अप्रकाशित गीत कर दिए थे, जिनकी कीमत लाखों डॉलर बताई जा रही है। वहीं इसके बाद 25 जून 2009 में लॉस एंजलिस स्थित अपने घर में माइकल जैक्सन को हार्ट अटैक पड़ा और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, अब बात करते हैं विजय माल्या की, जो उद्योगपति विठल माल्या के पुत्र हैं और यूबी ग्रुप और किंगफिशर एयरलाइंस के अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2008 में लगभग 72 अरब रुपए की संपत्ति के साथ ये विश्व के 962वें सबसे रिचेस्ट लोगों में शामिल हुए। इसी वक्त इनका भारत में सबसे धनी लोगों में 42वां नंबर था। वर्ष 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। यह भारत की पहली एयरलाइंस थी जिसने सभी नए विमानों के साथ काम करना शुरू किया। इसके साथ साथ किंगफिशर एयरलाइंस एयरबस A380 खरीदने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से कंपनी कई सालों तक जबरदस्त घाटे में रही और फिर दिवालिया हो गई, जिसकी वजह से साल 2013 में इस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और माल्या गर्दिश में आ गए। अपनी आलीशान जिंदगी को बनाए रखने तथा अपनी एयरलाइन कंपनी को वजूद में रखने के लिए माल्या ने कई भारतीय बैंकों से लगभग 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया, लेकिन इसे चुका नहीं पाए। वो गिरफ्तारी से बचने के लिए विदेश में जाकर छुपे हुए हैं। हालांकि भारत सरकार की कई एजेंसियां उन्हें पकड़ने के लिए पीछे लगी हुई हैं और सुनने में आ रहा है कि जल्द ही उन्हें भारत लाया जा सकता है। उन पर कई सरकारी संस्थानों की देनदारी बकाया है। भारत सरकार माल्या को पहले ही देश से भगोड़ा घोषित कर चुकी है।
माल्या को देश में वापस लाने के लिए लंदन की एक कोर्ट में उन पर केस चल रहा है और ये केस माल्या के खिलाफ सीबीआई और ईडी द्वारा लड़ा जा रहा है। अब बारी है भारत की एक बड़ी बिजनेस फैमिली की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की, जिनका सफर राजा से रंक तक का रहा। वो व्यक्ति जिसके पास एक समय सब कुछ था लेकिन अब कुछ नहीं है। आजकल अनिल अंबानी के साम्राज्य के पतन की हर ओर चर्चा हो रही है। 16 नवंबर 2019 को अनिल अंबानी ने अपनी मुख्य कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। 2008 में अनिल अंबानी विश्व के छठे सबसे अमीर शख्स थे, लेकिन ऐसी नौबत आ गई कि लगातार घाटे की वजह से उन्हें रिलायंस कम्युनिकेशंस का यह महत्वपूर्ण पद छोड़ना पड़ा। इस बड़ी कंपनी को टेलीकॉम की दुनिया में क्रांति लाने के लिए याद किया जाता है, लेकिन अब सिर्फ इसे याद ही किया जा सकेगा क्योंकि कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। अंबानी और दिवालिया? जी हां दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न तैर जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर जिस सीढ़ी से मुकेश अंबानी सफलता की ओर चढ़े, अनिल अंबानी नीचे कैसे खिसक गए। धीरू अंबानी का रिलायंस ग्रुप 28,000 करोड़ का था। 2005 में जब इसका बंटवारा हुआ तो मुकेश और अनिल के हिस्से इसका आधा आधा भाग आया। अनिल के हिस्से में टेलीकॉम सेक्टर आया था। यह सेक्टर उस समय बहुत प्रॉफिटेबल माना जाता था। इसी के साथ अनिल अंबानी के लिए भी काफी संभावनाएं खुली हुई थीं, क्योंकि बंटवारे में तय हुआ था कि अगले 10 साल तक मुकेश अंबानी टेलीकॉम के इंडस्ट्री में दाखिल नहीं होंगे। साल 2013 में हुआ एरिक्सन सौदा अनिल अंबानी के लिए सबसे घाटे का सौदा साबित हुआ। साल 2014 में उनके पतन की शुरुआत हुई और उनकी कंपनी का प्रदर्शन लगातार निराशाजनक रहा और आरकॉम बंद हो गई। इसी के साथ 2016 में उस शर्त को 10 साल पूरे होते ही मुकेश अंबानी पूरे दमखम के साथ इस सेक्टर में उतर आए और साथ में जियो की आंधी ले आए। एयरटेल, वोडाफोन जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां तो एकाएक घाटे में चली गईं। अनिल अंबानी के बिजनेस के लिए भी ये एक बड़ा झटका था। मई 2018 में नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल ने एरिक्सन की आरकॉम के खिलाफ दायर 3 दिवालिया याचिकाएं मंजूर कर ली। एरिक्सन ने आरोप लगाया कि आरकॉम ने उससे काम तो करवा लिया लेकिन उसके बदले 1100 करोड़ रुपए नहीं चुकाए। बीते कुछ सालों में अनिल अंबानी को बिग सिनेमा, रिलायंस बिग ब्रॉडकास्टिंग और बिग मैजिक जैसी कंपनियों को बेचना पड़ा है। दोस्तों, अनिल अंबानी एक फाइटर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें अपनी कामयाबी के दिनों की आधी ऊंचाई भी हासिल करनी है तो अब उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी डील्स करनी पड़ेंगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि हमें तो सीखने को मिला ही है। प्यारे दोस्तों, आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त मुझे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वादा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा मजेदार और ज्यादा सच्चाइयों वाला, ज्ञान वाला आपके लिए लेकर आऊंगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक के बटन को भी दबा दीजिएगा।